नमस्कार दोस्तों दोस्तों, मैंने पिछले कुछ एक वीडियो में कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो में 20% स्टेक सेल करना चाहते हैं, जिनमें से 11% के करीब ऑलरेडी सेल कर दिया है और 2% अभी भी सेल करना बाकी है। लेकिन दोस्तों, मैंने उसके बाद वाले वीडियो में भी कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है कि बाकी के जो स्टेक है, मतलब 6.5% स्टेक है, वो सेल करने के लिए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में और एक नाम यहाँ पर उभर कर आया है और उसका नाम है जनरल एटलांटिक। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है और ये न्यूयॉर्क की प्राइवेट इक्विटी फार्म है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है या फिर सुनने में आ रहा है कि ये कंपनी भी 2% स्टेक खरीदना चाहते हैं जियो प्लेटफॉर्म में, और इसके लिए, मतलब इस 2% स्टेक खरीदने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, इस बात की पुष्टि तो रिलायंस जियो के तरफ से अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें मार्केट पर चल रहा है। और दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं, वहीं पर धुआं उठता है जहां पर आग लगता है। तो दोस्तों, ये भी न्यूज कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस महीने के अंत तक और एक डील के बारे में हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा। हो सकता है कि ये जो डील है, इसके बारे में कंफर्मेशन इस महीने के अंत तक हमें मिल जाए। अब दोस्तों, और भी कुछ एकाध इन्वेस्टर हैं जो कि जियो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलायंस जियो के एक टाइप है, जिसके द्वारा रिलायंस जियो जो क्लाउड सर्विस यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अब दोस्तों, अभी तक तो एक बिजनेस डीलिंग था, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भी चाहता है कि 5% के करीब स्टॉक या फिर शेयर रिलायंस जियो में खरीदना। खैर, देखने वाली बात होगी कि कब इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन आते हैं या फिर ये कितना जेन्युइन बात है, ये भी जानना पड़ेगा। दोस्तों, हालांकि इसके साथ मैं और एक बातें ऐड कर दूं कि मार्केट में ये भी फ्लोट कर रहा है कि यूएई या फिर दुबई बेस्ड कोई एक कंपनी जो कि रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है या फिर इंटरेस्ट दिखाए हैं। यहां पर मैं क्लियर करते चलूं कि सऊदी अरब को, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है, तो दोस्तों अब दोस्तों हो सकता है कि उसी से रिलेटेड कोई एक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में भी स्टॉक खरीद सकता है। खैर, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखना होगा कि फाइनली कौन कौन सा नाम उभर कर आते हैं। मेरे हिसाब से, जबकि मार्केट में ग्लोबल एटलांटिक का नाम चल रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि इस महीने के अंत तक ये भी कंफर्म हो जाएगा, मतलब ये जो 2% वाला डील है ये भी कंफर्म हो जाएगा। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि अभी तक जियो प्लेटफॉर्म में या फिर जियो में जितने भी सारी कंपनी, ऑलरेडी 3 कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो कि है फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्तार। तो दोस्तों, इन तीनों कंपनी ही यूएस की कंपनी है, तीनों कंपनी ही टेक में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि फेसबुक खुद एक टेक कंपनी है, बाकी दोनों तो इक्विटी कंपनी है, तो ये भी टेक में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या है इसकी पूरी लॉजिक, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तक तीनों कंपनी ही यूएस के हैं और शायद चौथा कंपनी भी यूएस के ही बन जाए। खैर, मुझे लगता है कि यूएस के लोगों को अब इंडिया के टेक मार्केट में रुचि आने लगा है और इंडिया के टेक मार्केट को लेकर शायद उन लोगों में कुछ ज्यादा ही, मतलब, इंटरेस्ट आने लगा है। खैर, देखना होगा। जो भी हो, यह तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है और इसके रिलेटेड इंडियन टेक मार्केट और इंडियन टेलीकॉम मार्केट में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मेजर या फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। अब दोस्तों, एक बात है मार्केट पर बहुत दिनों से फ्लोट कर रहा है, शायद ये बहुत ही जल्द हो जाए, वो ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बोनस शेयर इशू कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि 1:15 की रेशियो में ये बोनस शेयर इशू किया जाए। तो ये तो सिर्फ होगा पैसा उठाने के लिए मार्केट से, जबकि पूरी की पूरी जो उनके डेट है उसको रीपे करने के लिए। लेकिन ये बात कंफर्म है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले भी ब्लू चिप शेयर था, आज भी है और मेरे हिसाब से आगे भी रहेगा। एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिए हैं तो बहुत ही अच्छा।
हो सकता है नहीं किए तो अब भी कर सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्टमेंट। मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे बात सुनकर ही आप इन्वेस्ट करो, वो आप लोग देख लो फिर जान लो उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है आज के दिन में, ये आप लोग भी जानते हो। और स्टॉक के दाम या फिर वैल्यूएशन आगे आने वाले समय में भी और भी ज्यादा बढ़ेगा, मेरे हिसाब से यही काफी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आज के वीडियो में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी और एक इंफॉर्मेशन जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं है, ये एक एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए। मेरे हाथ ये इंफॉर्मेशन लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में बता दूं, हो सकता है कि आप में से कोई इस इंडस्ट्री के बारे में भी जानना चाहते हो। अब दोस्तों गो एयर, ये एक इंडिया का बजट एयरलाइंस है और दोस्तों गो एयर के मादर कंपनी के द्वारा फॉरेन की एक एयरलाइंस कंपनी जो कहे वर्जिन ऑस्ट्रेलिया उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इसके लिए बातचीत भी करना चालू कर दिए हैं। हो सकता है कि हम लोग कभी सुने कि इंडिया के जो एयरलाइंस कंपनी है ये भी बाहर के किसी एयरलाइंस कंपनी को खरीदते हैं, हालांकि ये बात भी सही है कि आज के दिन में एयरलाइंस इंडस्ट्रीज बहुत ही खराब परिस्थिति से चल रहा है जो के है कोरोना वायरस वाला पैंडेमिक, इसके द्वारा या फिर इसके कारण कोई भी एयरलाइंस प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, एक्चुअली ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है। तो इसी के लिए जो वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस है ये बैंकरप्सी के तरफ बढ़ गए हैं, उस देश में बैंकरप्सी के तरफ बढ़ गए हैं, तो इसी को देखते हुए गो एयर उसको खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि ये डील कितने दूर तक आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, मेरे हिसाब से ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। खैर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन था तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को पता ही है कि इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और हमारे जो यूट्यूब की फैमिली है इसको और भी ज्यादा बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब बेल पर क्लिक करना होगा, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.